हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाज़ार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैंपस शेयर के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, कैंपस का शेयर लगभग 420 रुपए का गिरकर 332 पर आ गया है। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्योंकि सबको लग रहा था कि शेयर जिस वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ है काफ़ी अंडर वैल्यूड है और यहाँ से और अप ट्रेंड आएगा। बट डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि लगभग 40% का अपमूव शेयर ने दे दिया है। 23% के प्रीमियम पर लिस्ट होता है और उसके बाद लगभग 17% की तेज़ी आती है, तो लगभग 40% का अपमूव शेयर दिया एंड वहाँ से 20% नीचे करेक्ट हो चुका है शेयर। तो अपन अगर कैलकुलेट करें तो दोस्तों लगभग 20% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है अपने इशू प्राइस के ऊपर। और डेफिनेटली दोस्तों, काफ़ी सारे बड़े बड़े फंड हाउसेज ने इस शेयर के अंदर बाइंग करी। मोतीलाल ओसवाल ने, प्रो फंड हाउस ने लगभग 32 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से बाय किया, प्लस 1.57% स्टेक खरीद रही है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने। एंड डेफिनेटली दोस्तों, आप कह सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए आप देख सकते हैं आईपीओ के बाद कितना अच्छा रिस्पॉन्स इस शेयर को मिला। और आईपीओ के पहले भी अगर अपन बात करें तो जब आईपीओ लॉन्च हुआ था तो सबकी सलाह यही थी कि छोटे लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करें, लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक के अंदर अप्लाई करें। एंड अब अगर बात करें दोस्तों कंपनी के अप ट्रेंड कब शुरू होगा, शेयर में अप ट्रेंड कब शुरू होगा, शेयर में तेज़ी कब होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं 400 के ऊपर फंस चुके हैं, क्या अब उनको एवरेज करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात कर ले तो दोस्तों, शेयर लगभग 30% का गेन दिखाता है जिस दिन लिस्टिंग होती है। एंड आप देख सकते हैं NSE ब्लड ग्लिट्स मोतीलाल ओसवाल फंड बायस 32 लाख शेयर्स ऑफ कैंपस एक्टिव वेयर हाउस। तो सबके रेडार में ये शेयर आता है, वॉल्यूम 50-50 आप कह सकते हैं मिलियन की होती है जिस दिन लिस्ट होता है। और उसके बाद से अगर बात करें तो वॉल्यूम वाइज ठंडा पड़ता हुआ देखने को मिलता है स्टॉक और काफ़ी कम डिलीवरी देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ा मेजरली कारण है। आप देख सकते हैं इसमें 380 से बता रहा है, इसलिए 12% की गिरावट है, वरना 420 का लेवल शेयर ने छुआ है। आप देख सकते हैं 52 हफ्तों का ही 418 का है। तो डेफिनेटली दोस्तों, हायर लेवल से तो 20% की बिकवाली आई है। और क्या अभी नए इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, मेरी सलाह यही होगी कि जी हाँ, इस शेयर में आप एंट्री कर सकते हैं। 320 रुपये एक बहुत अच्छा सपोर्ट शेयर ने बना लिया, उसके नीचे आई थिंक सो स्टॉक नहीं जाएगा। और 300 आप कह सकते हैं कि 23 रुपये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आपको स्टॉक में देखने को मिला था। और अगर अपन इंट्राडे की भी बात कर ले तो आप देख सकते हैं इंट्राडे में शेयर लगभग 357 के लेवल्स तक गया था। तो हायर लेवल से शेयर में बिकवाली आई है ड्यू टू द फॉल इन मार्केट। अब अगर मार्केट का सिनेरियो अच्छा होगा तो डेफिनेटली ये शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी होगी। और आप देख सकते हैं ग्लोबल इंडाइसेस अभी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव में कामकाज कर रहे हैं। फ्राइडे नाइट को काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको ग्लोबल इंडाइसेस में होता हुआ देखने को मिला और लगभग 120 पॉइंट्स की तेज़ी SGX निफ्टी शो कर रहा है। अगर कल मंडे को सुबह सुबह ओपन होता है SGX, तो लगभग आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी तेज़ी में गैप अप ओपनिंग के चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि NASDAQ में लगभग 400 पॉइंट्स की तेज़ी थी। एंड अगर वॉल्यूम की भी बात कर ले तो लगभग 32 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इस शेयर में लगभग 6-6 करोड़ तक की भी वॉल्यूम देखने को मिली है। तो डेफिनेटली वॉल्यूम अभी काफ़ी कम है शेयर में और ये सबसे बड़ा फैक्टर है शेयर की गिरावट का, कि जैसे जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट बना, लेकिन जैसे जैसे अब दिन घटते जा रहे हैं आईपीओ में, वैसे वैसे जो इंटरेस्ट है लोगों का वो स्टॉक में कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात कर ले 52 हफ्तों के हाई की, तो 20% ये शेयर नीचे आ गए अपने 52 हफ्तों के हाई से। एंड अगर अपन बात कर ले क्रूशियल सपोर्ट्स की, तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है शेयर के लिए 322 का। 322 के नीचे स्टॉक का जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 322 के नीचे भी अगर जाएगा तो 312 भी एक सपोर्ट का काम करेगा और फिर 295 का भी। तो अगर अपन देखें तो जिस जोन पर अभी शेयर मिल रहा है वो सपोर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और मेरी यही सलाह है कि अगर मान लीजिए कल सुबह सुबह मार्केट्स गिर जाते हैं तो इस स्टॉक में आप डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं। 300 के ऊपर जब भी ये स्टॉक टिका रहेगा तब तक ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे मूव दे सकता है। और आप देख सकते हैं इंट्राडे में लगभग इसने 6% का मूव दिया था फ्राइडे के सेशन में। तो डेफिनेटली ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे मूव्स इंट्राडे में दे सकता है, प्लस लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 20% तक का सालाना तौर पर डेफिनेटली ये रिटर्न देता हुआ देखने को मिलेगा वापस से। एंड अगर अपन बात कर ले दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस की भी, तो आप देख सकते हैं 2 करोड़ की एवरेज वॉल्यूम है और अभी वॉल्यूम कहाँ आ चुकी है, लगभग 35 लाख। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट, इसे कहते हैं दोस्तों लोगों का इंटरेस्ट, जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है काफ़ी सारे लोग कूद पड़ते हैं शेयर के अंदर और फिर फंस जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों का लॉस होता हुआ देखने को मिलता है। तो आईपीओ की भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि इतना पॉइंट्स का अपन स्टॉप लॉस लेंगे, अगर अपन
ओपन मार्केट में 10 बजे के आसपास बाइंग करते तो इतना स्टॉप लॉस लेंगे, अगर इतने रुपए बढ़ेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर आप देख सकते हैं तभी उन्हीं लोगों को आईपीओ में प्रॉफिट होता है। नहीं तो अगर आपने लॉन्ग टर्म में निवेश किया है तो काफ़ी अच्छा निवेश है, और अगर आप एवरेज करना चाहो तो ये लेवल काफ़ी अच्छा है, एवरेज कर सकते हैं। 2 या 3 साल में ये शेयर यहाँ से लगभग 40 से 50% के मिनिमम रिटर्न्स आपको डेफिनेटली दिखा सकता है। एंड अगर बात कर ले शेयर की प्लेजिंग की भी तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी का जो मार्च क्वार्टर में आप कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने आया उसमें प्लेजिंग 0% है, तो ये काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं बात है। एंड अब अगर रिजल्ट आएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा कि कंपनी को हिस्सा प्लेज कर रखा है कि नहीं। प्लस आप देख सकते हैं 74% हिस्सा प्रमोटर्स के पास है, जो कि एक और आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइन है कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा नहीं बेच रही है, लेकिन 18% हिस्सा पब्लिक के पास है। तो जिस दिन आईपीओ लॉन्च होता है उस दिन काफ़ी सारा इंटरेस्ट आपको आईपीओ में आता हुआ देखने को मिलता है, और आप देख सकते हैं पब्लिक जो है वो अभी शेयर में ट्रैप होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब अगर बात कर ले कंपनी की मार्केट कैपिटल की, तो मार्केट कैपिटल कंपनी की लाजवाब है, 10,121 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटल है। और डेफिनेटली दोस्तों ऐसे शेयर्स की मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छी है, और मुझे लगता है कि मार्केट कैपिटल बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देखिए अभी अगर सारे शेयर्स देख लें तो ये शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से लगभग 25% नीचे, बाटा 20% नीचे, मेट्रो ब्रांड्स भी लगभग आपको 30% नीचे मिल रहा है, और ये भी 20% नीचे। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट का कारण ये बियर मार्केट ही है, जो मार्केट चल रहा है अभी आप कह सकते हैं कि वो बियर्स के फेवर में, और अगर ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होता है तो अभी जो 20% की गिरावट इन सब शेयर्स में है ना, 20-20% की ये सब गिरावट दोस्तों प्लस 20-20% की हो जाएगी, यानी ये जो रिकवरी आएगी उसमें 20% तो रिकवर होगा ही, प्लस उसके बाद भी 20% रिकवर होगा। ये छोटा सा फेज है दोस्तों, 6 से 8 महीने का सा फेज होता है, उसके बाद डेफिनेटली मार्केट्स रिकवर करते हैं, और इंडिया ग्रोइंग स्टेज में है तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है वो जल्दी भी हो सकता है। एंड अब अगर बात कर ले फाइनली स्टॉक के चार्ट्स की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 420 से शेयर फ्री फॉल की तरह गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड इन अगर अपन चार्ट पर क्लियरली देखें तो एक ही सपोर्ट अभी तक शेयर होल्ड करा हुआ है, जो कि 320 का 323 का, उसके नीचे शेयर नहीं जा रहा है, और आई थिंक सो अब शेयर नीचे जाएगा भी नहीं। और अब फाइनली कल के इंट्राडे के अगर लेवल्स की बात कर लूँ तो 332 के जोन पर अगर आप इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करते तो ये काफ़ी अच्छा जोन होगा, और इंट्राडे में 340 से 350 रुपये तक का लक्ष्य इजीली आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। बट अगर अपन गैप डाउन की बात कर ले तो 323 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना होगा, और जितना हो सके अगर गैप डाउन हो तो 325 के आसपास शेयर के अंदर आप बाइंग करें, और इंट्राडे में 20 से 25 रुपये का मूव आपको डेफिनेटली शेयर में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।